જૂનાગઢ અંબાજી મંદિરમાં કલેક્ટર રુચિત રાજ આરોગ્ય વિભાગની ટીમ સાથે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં વેક્સિનની કામગીરી હાથ ધરાઈ હતી. મંદિરના મહંત તનસુગીરી બાપુ તેમજ પૂજારી અને સેવકોને વેક્સિન આપવામાં આવી હતી. કલેક્ટરે સપરિવાર સાથે માં અંબાના દર્શન કર્યા હતા. અહેવાલ દેવાંગ ટાંગ, જૂનાગઢ. આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર સાહેબ, ધર્મપત્ની, ઉનકે માતાજી, બચી કેવાભાઈ કટારા સભી યહાં આકે આયા આયે અને યહાં કે જો વાતાવરણ કો ખુશનુમા દેખે ઓર માતાજી કે સામને ઉન્હોને વેક્સિન કા કાર્યક્રમ રખા. વો ઇતના બડા જોરદાર કાર્યક્રમ રહા કે આજ સારી દુનિયા મેં વેક્સિન કે લીએ સબકો ગર્વ હો જાયેગા. બલકે આજ જો નરેન્દ્ર ભાઈ હૈ अपने प्रधानमंत्री, जो लोक लाडले प्रधानमंत्री, उनको पूरे देश को बचाने के लिए उन्होंने अपने दिल से ये बात कही कि वैक्सीन ले लो, पहले उन्होंने शुरुआत किया. बल्कि धनंद्र भाई का तो मन ऐसा है, वो माता जी के भक्त हैं, नवरात्रि करते हैं बिना जल, तो ये बात है कि वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी उनकी चाहना है. तो यहाँ पर आज माँ जगदम्बा के दरबार में ये वैक्सीन ले गई है. तो सभी दूसरे अभी आए जाते लोग इनको पूछते हैं, लेकिन पहल हमने की, हमें यहाँ के महंत है और फिर हमारे पुजारी लोग ने भी लिया. तो आज हम इस गिरनार से माँ जगदम्बा का आशीर्वाद देके सभी को कहते हैं कि आप पूरे वर्ल्ड में कहेगा ये वीडियो, तो उसको बोलते हैं पूरे भारत में और ये गुजरात के अंदर भी हम बोलते हैं कि वैक्सीन लेना जरूर है, वैक्सीन ले लीजिए. नरेंद्र भाई का जो मन है, उसका जो उसके लिए उनको जो देना है वैक्सीन, वैक्सीन के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, तो उसकी मेहनत को सफल कीजिए. कलेक्टर साहब आए हैं, उसकी मेहनत को सफल कीजिए. हमारे होनहार कलेक्टर साहब गुजरात के अंदर आईएएस के अंदर दूसरे नंबर पर है, तो उसका भी नंबर ये माता जी यहाँ से धीरे धीरे बढ़ा के पहला नंबर कर दें. और फिर भारतवर्ष के अंदर भी जाए, भाई साहब जाए वहाँ पहला नंबर. मैं तो बोलता हूँ कि गांधीनगर नहीं पर लोकसभा के अंदर दिल्ली में जाकर वहाँ भी उसका सचिव पद इसके जो चलता रहे उनको वहाँ सचिव पद मिले, जहाँ उसकी जिनको नौकरी है तब तक रहे और सारी पूरी दुनिया को, पूरे भारत को, गुजरात को, जूनागढ़ जिला को, जो साहब का जो अलग मिजाज है, सच्चाई की बात है साहब के अंदर, वो आगे रखे और उनका कार्य करें. माँ जगदम्बा, खुद भगवान, भोलाना भोलाना दादा सब इनके साथ हैं और उनकी ओर से हम